What's up guys, this is Sangin Chitnis. So today we are going to Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, which is also known as Prince of West Museum, which is located in Mumbai. Let's begin. So we are moving from here through a car, which is Maruti Suzuki Wagoner. So abhi hum Wagoner mein baithenge, abhi direct to piche se aa rahe hain. Aur phir hum Wagoner mein baithte hain. Abhi hum log kitne jan ja rahe hain? Mere dad, meri mom, meri sister, main. और मेरा एक और फ्रेंड आने वाला है जिसको हम वाशी से पिकअप करेंगे और वी आर गोइंग टू सीट इन मारुति सुजुकी वैगनर और फिर वहाँ से हम सीधा जाएंगे मुंबई से 10:45 AM इन द मॉर्निंग एंड नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम हियर टूवर्ड्स मुंबई और हम अभी कार में बैठेंगे और यहाँ से अभी निकलेंगे सो ये जर्नी तो चलेगी आप स्टे कनेक्टेड स्टे ट्यून तब छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और उसके पीछे स्टोरी भी है जो अभी तो मैं नहीं बताऊंगा वहां पे पहुंचने के बाद बताऊंगा तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड तो देखिए देखते रहिए ब्लॉग सो अभी हम मुंबई के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पर बारिश हो रही है पूरा बरसात का सीज़न है लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा की फैक्टर ये है कि बरसात का सीज़न होने के बावजूद भी हमारी ट्रिप सक्सेसफुल हो सकती है ओनली बिकॉज ऑफ कि हम लोग म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं तो अंदर तो बारिश होगी नहीं बारिश तो बाहर हो रही है कि नहीं मेरा वो ये तो सबसे बड़ा फैक्ट है क्योंकि बारिश तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है आप यहाँ से देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बारिश है तो अभी हम CNG पंप के यहाँ पे हैं अभी हम यहाँ पे CNG गैस भरेंगे और फिर अभी हम उसके बाद शायद से ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद बॉम्बे निकलेंगे नहीं तो बॉम्बे जाने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे एग्जैक्टली क्या प्लान है आई डोंट नो बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन है प्लान के लेके तो अभी देखते हैं अभी हम यहाँ पर गैस भरने तो आ तो गए हम लोग को अभी यहाँ पर मेरे को आपको बहुत कुछ दिखाना था काफ़ी सारे सिनेमेटिक व्यूज़ लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बारिश होने की वजह से मैं ज़्यादा सिनेमेटिक व्यू आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ लेकिन फिर भी स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड सो दिस इज़ द होटल महालक्ष्मी विच इज़ लोकेटेड इन नेहरू ईस्ट और अब यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड सो दिस इज़ द फूड विच वी आर गोइंग टू कंज्यूम अभी मैं यहाँ पे मसाला डोसा खा रहा हूँ और अभी ये मसाला डोसा खा के यहाँ से निकलूँगा टूवर्ड्स मुंबई सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड ब्रेकफास्ट के बाद चाय नहीं पियेंगे तो और क्या करेंगे तो रिफ्रेशमेंट के लिए अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं एक कप चाय सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड सो अभी हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हम यहाँ से अभी जा रहे हैं वाशी में तो वाशी में हमारे फ्रेंड गणेश को हम पिकअप करेंगे अभी तो मैं मेरे डैड मेरी मॉम और मेरी सिस्टर चार जन है अब पाँचवा मेम्बर भी आने वाला है हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और वो भी म्यूज़ियम देखने वाला है तो लेट्स सी स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड अभी गाड़ी तो यहाँ से जा रही है सो मैं अभी गाड़ी में जल्दी बैठ जाता हूँ और फिर हम यहाँ से निकलते हैं सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड वेलकम गणेश वेलकम सो वेलकम बैक गणेश इज हियर सो अभी अब मैं गणेश अभी फास्ट ड्राइव करेंगे और हम लोग को पहुँचाएंगे म्यूजियम जल्द से जल्द सो लेट्स सी हम लोग निकलते हैं ओके गाइस सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड सो अभी हम यहाँ पे कार में बैठे हैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया बिकॉज ऑफ ये वैगनर तो 5 सीटर बोलते तो है लेकिन 5 सीटर के हिसाब से इतना कंफर्टेबल नहीं है सो डैड आपको क्या लगता है इसके बारे में यस माय इको इज ऑलवेज मोर कंफर्टेबल वीरा आपका क्या कहना है थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सो लेट्स सी थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि गाड़ी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा लेकिन अभी ये गाड़ी तो चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट ब्रांड न्यू कार सो सो वी आर नाउ गोइंग टू टूवर्ड्स म्यूजियम एट मुंबई सो वी आर एट द म्यूजियम विच इज छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय विच इज ऑल्सो नोन एज प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम सो अभी हम इस म्यूजियम के अंदर जाएंगे सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड सो गाइस मैं अब यहाँ पे आ चुका हूँ तो मैं आपको इस म्यूज़ियम के थोड़े बहुत फैक्ट्स दिखाता हूँ मतलब इस म्यूज़ियम की थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ कि एग्जैक्टली म्यूज़ियम कैसे बना और कब बना तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ सब कुछ सो 1904 में डिसीजन हुआ इंडियन सिटीजन्स का कि
ब्रिटिश ज़माने के राजा यहाँ पे आए थे, तो उनके याद में एक म्यूज़ियम होना चाहिए, ऐसा काफ़ी सारे इंडियन सिटीजन का डिसीजन था और उन्होंने मिलकर एक डिसीजन लिया कि मुंबई में एक म्यूज़ियम होना चाहिए। तो ये डिसीजन लिया गया था 1904 को। फिर 1905 को लोगों ने डिसाइड किया कि इस म्यूज़ियम का नाम बदलना चाहिए प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, और 1905 को ही लोगों ने आर्टिकल कलेक्ट करना स्टार्ट किया। आर्टिकल कौन सा? हिस्टोरिक आर्टिकल्स, क्योंकि म्यूज़ियम बनाना है तो म्यूज़ियम में रिलेटेड तो हिस्टोरिक आइटम्स है वो यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। सो आर्टिफैक्ट कलेक्ट करना लोगों ने 1905 से स्टार्ट किया। फिर 1909 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और फिर 1914 को ये म्यूज़ियम रेडी हो गया। लेकिन 1914 को ये म्यूज़ियम पब्लिक के लिए ओपन नहीं था, ये म्यूज़ियम पब्लिक आई और म्यूज़ियम उन्होंने देखना स्टार्ट किया और काफ़ी सारे हिस्टोरिक आइटम्स देखना काफ़ी सारे पब्लिक ने स्टार्ट किया इन 10 जनवरी 1922। फिर उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद 1923 को रतन टाटा ने अपने पर्सनल कलेक्शन थे जो जिसमें उसके हिस्टोरिक आइटम्स थे वो उन्होंने इस म्यूज़ियम को डोनेट किया। और उसके बाद 1933 को रतन टाटा ने अपना पर्सनल कलेक्शन इस म्यूज़ियम को डोनेट किया। और उन पर्सनल कलेक्शन में काफ़ी सारे ऐसे कलेक्शन थे जो बहुत ही यूनिक थे और वेस्टर्न कल्चर को बिलोंग करते थे, और वो कलेक्शंस, वो हिस्टोरिक आइटम्स, वो हिस्टोरिक गुड्स जो उनके पास थे उन्होंने इस म्यूज़ियम को डोनेट किया एट 1923 एंड इन 1933। और जो मैंने जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ रतन टाटा कलेक्शन, वो उनका कलेक्शन है जो उनके पास पहले था जो उन्होंने इस म्यूज़ियम को डोनेट किया। फिर उसके बाद 1995 तक अलग अलग हिस्टोरिक आइटम्स कलेक्ट करते गए और अलग अलग हिस्टोरिक आइटम्स जमा हुए और अलग अलग हिस्टोरिक आइटम्स जो थे वो इस म्यूज़ियम में प्रिजर्व किए गए। सो 1905 से कलेक्शन स्टार्ट हुआ और 1995 तक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक और वन ऑफ द रेयर हिस्टोरिक आइटम्स लोगों को मिले और वो हिस्टोरिक आइटम्स लोगों ने इस म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखे। सो ये जर्नी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जितना हो सकता है उतना शॉर्ट में इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एंड यस, उसके बाद क्या हुआ? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम जो इस म्यूज़ियम का नाम था उसका नाम चेंज किया गया और उस म्यूज़ियम का नाम रखा छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। सो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम जो होता है इस म्यूज़ियम का पुराना नाम है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इस म्यूज़ियम का नया नाम है। सी द वेरियस थिंग्स विच इज अवेलेबल इन म्यूज़ियम। सो ये म्यूज़ियम में सबसे स्पेशलिटी ये है कि इसको एक ज़माने में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम भी कहा जाता था और अभी तो इसको नाम चेंज किया गया है और वो नाम रखा है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूज़ियम। सो इस म्यूज़ियम में 50,000 आर्टिफैक्ट्स हैं, और आर्टिफैक्ट्स यानी क्या? आर्टिफैक्ट्स मतलब जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो हिस्ट्री से रिलेटेड करता है, जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट है, जिसको ऐसा ऑब्जेक्ट जो उसको बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं। सो दैट इज़ द थिंग। सो यहाँ पे हम 50,000 आर्टिफैक्ट्स तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम एंट्री के लिए आए हैं, लेकिन हम यहाँ पे जितना हो सकता है उतना एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ा रतन टाटा कलेक्शन, क्योंकि रतन टाटा यहाँ पे एक ज़माने में पुराने ज़माने में काफ़ी एंटीक चीज़ें कलेक्ट करता था और उन्होंने 1923 को काफ़ी सारे एंटीक चीज़ें इस म्यूज़ियम को डोनेट किए। और 1933 को रतन टाटा ने काफ़ी सारे आइटम्स है जो 1923 और 1933 के बीच में डोनेट किए, इस म्यूज़ियम को डोनेट किए। सो इस म्यूज़ियम में रतन टाटा कलेक्शन आपको मिलेगा और वो कलेक्शन काफ़ी अमेजिंग है, मैं आपको उस कलेक्शन को ज़रूर दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। सो दिस इज़ द चाइनीज प्लेट, यहाँ पे आप हो से देख सकते हैं चाइनीज फैमिली इन वर्थ प्रोक्लियन। ये भी 18th century से ये प्लेट बिलोंग करता है और ये भी रतन टाटा कलेक्शन है, आप यहाँ से गौर से देख सकते हैं सर रतन टाटा आर्ट कलेक्शन। सो दिस इज़ द प्लेट, आप यहाँ से गौर से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलेक्शन है देखने को मिलती है। यहाँ पर काफ़ी सारी हिस्टोरिक चीज़ें हैं, लेकिन हमने
काफ़ी ज़्यादा हम अटैक्ट किए गए रतन टाटा की वजह से, क्योंकि रतन टाटा इज वॉज द चेयरमैन ऑफ टाटा मोटर्स और वो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है बहुत सालों से। तो हमने सोचा था कि अभी हम रतन टाटा का आर्ट कलेक्शन यहाँ पे देखें और रतन टाटा का आर्ट कलेक्शन आपको दिखाएं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है। ये भी देखो, ये ब्लू पॉलीथीन है, ये ब्लू कलर के पॉट्स है जो रतन टाटा ने कलेक्ट किए हैं। और ये भी 18th to 19th century तक ये पॉट्स यूज़ करते थे चाइना में। और ये म्यूज़ियम का ऊपर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम लोग सेकेंड फ्लोर पे है और सेकेंड फ्लोर से ये ऊपर थर्ड फ्लोर भी अवेलेबल है। और ये दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ दिस म्यूज़ियम। तो हमने यहाँ पे एक और रतन टाटा का प्रोडक्ट देखा है और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा रतन टाटा कलेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कलेक्शन ऑफ द रतन टाटा। तो लेट्स बिगिन। सो दिस इज़ द यूरोपियन वास। और ये देखिए रॉयल क्राउन डर्बी वेयर, ये इंग्लैंड का प्रोडक्ट है जो 19th century में इन्वेंट हुआ था। मतलब इसको भी आई थिंक मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं। एंड दिस इज़ ए रतन टाटा कलेक्शन। सो आप देख सकते हैं ये है द वैसल वेस विच इज़ द ब्रिटिश प्रोडक्ट। सी ये जो वैस है जो 1751 से है, मतलब ये काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है। 1751 का प्रोडक्ट है जो आप बीच का देख रहे हो। सो लेट्स सी। सो मैं आपको थोड़ा सा आर्ट कलेक्शन दिखाता हूँ रतन टाटा का। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो जितने पॉट्स आप देख रहे हो ये सब रतन टाटा का कलेक्शन है। और उसमें जो रेड कलर का है इसमें, तो ये देखो ये रेड कलर का पॉट है, ये 19th century का है। This belongs to 19th century. And this pot, this material is belongs to 17th century. अब यहाँ पे डेट भी देख सकते हो 1751 का है ये। So guys, हमने यहाँ पे एक और पेंटिंग एक्सप्लोर की है जो इंग्लैंड की पेंटिंग है, विच इज ब्रिटिश पेंटिंग। और ये रतन टाटा का कलेक्शन है। और रतन टाटा के पास वो ब्रिटिश पेंटिंग थी, बाद में वो ब्रिटिश पेंटिंग रतन टाटा ने इस म्यूज़ियम को डोनेट की इन 1923 एंड 1933 के बीच में। सो मैं एंड गणेश वही पेंटिंग देखने वाले थे और हमने देखा तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा। सो गणेश, वो पेंटिंग कैसी लगी? मुझे देखने को पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल बढ़िया है। आप वीडियो देखें पूरा। यस, आप पेंटिंग का वीडियो देखिए, आपको ये पेंटिंग ज़रूर पसंद आएगी। 18th century की पेंटिंग है जो रतन टाटा का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सो दिस इज़ द पेंटिंग, ब्रिटिश पेंटिंग, एंड दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ रतन टाटा। रतन टाटा के पास ये ब्रिटिश पेंटिंग थी जो उन्होंने इस म्यूज़ियम को डोनेट किया है। आप इसको गौर से देख सकते हैं। सो ये पेंटिंग मोस्टली 19th century का बोलते हैं, मतलब बिफोर 1900 की है। मतलब आई थिंक 200 साल तो हो चुके होंगे इस पेंटिंग को। तो आप, मैं आप इस पेंटिंग के आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। गाइस, हमने रतन टाटा का एक और कलेक्शन देखा हुआ है और वो भी ब्रिटिश पेंटिंग है, जिसमें एक आदमी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। और वो पेंटिंग बहुत ही अच्छी थी, काफ़ी वेल मेंटेन थी। इनफैक्ट वो जो पेंटिंग है वो 1836 को बनी हुई है और वो ब्रिटिश पेंटर ने बनाई है, ब्रिटिश आर्टिस्ट ने बनाई है। तो मैं इसके डिटेल्स आपको सिनेमैटिक व्यू में ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन मुझे वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट उनका जो शौक था अलग अलग पेंटिंग कलेक्ट करने का, और उनका जो डिसीजन था रतन टाटा का, मतलब रतन टाटा का जो शौक था अलग अलग पेंटिंग कलेक्ट करने का, और फिर रतन टाटा का डिसीजन था जो पेंटिंग को म्यूजियम में डोनेट करने का, दैट वॉज वेरी नाइस डिसीजन। उनके वजह से काफ़ी सारा एजुकेशन हम लोग को मिल रहा है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रही है। और वो इन्फॉर्मेशन के वजह से हमें यूरोपियन कल्चर के बारे में मालूम पड़ रहा है, ब्रिटिश कल्चर के बारे में मालूम पड़ रहा है, नीदरलैंड के कल्चर के बारे में मालूम पड़ रहा है। और हम लोग को ये मालूम पड़ रहा है कि ऐसी भी पेंटिंग्स होती है, मतलब यूरोप में भी ऐसे लोग पेंटिंग बनाते थे। तो ये काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है और वेस्टर्न कल्चर को काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट करती है। और गणेश भी इस पेंटिंग को देख रहा था। तो गणेश, वो पेंटिंग कैसी लगी, घोड़े वाली? वो पेंटिंग देख के बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कभी बहुत सारी पेंटिंग देखी है मैंने, लेकिन ये आज तक मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। सो
मैं आपको इस पेंटिंग का सिनेमैटिक व्यू दिखाता हूँ, आप इस पेंटिंग को ज़रूर देखिए और एंजॉय कीजिए और नॉलेज गेन कीजिए। एंटरटेनमेंट के साथ मैं आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड करता हूँ इस चैनल के थ्रू, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सो दिस इज़ द यूरोपियन पेंटिंग एंड दिस इज़ द ब्रिटिश पेंटिंग, मतलब ये पेंटिंग इंग्लैंड की है, यूनाइटेड किंगडम की है, और यूनाइटेड किंगडम में जो इंग्लैंड कंट्री है उस कंट्री से वो बिलोंग करता है, इंग्लैंड से बिलोंग करता है। और ये पेंटिंग आर्टिस्ट ने कब बनाई थी, 1836 को ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ऑसम पेंटिंग जिसके हम अभी अभी तारीफ कर रहे थे। एक इंसान है जो घोड़े पर बैठा है, घोड़े आगे जा रहा है, और जो जिस तरीके से इसको पेंट किया है, जिस तरीके से इस आर्ट को बनाया है, इस ड्रॉ किया है, इसको कलर लगाया है, वो इतना यूनिक लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो मत। मतलब ये जो शौक था उसका, वो बहुत ही अच्छा शौक था। इनफैक्ट मेरे को भी अभी इच्छा हो रही है पेंटिंग्स कलेक्ट करने की, तो हो सकता है मे बी इन फ्यूचर मैं ऐसे इस तरीके के पेंटिंग्स कलेक्ट करूँ। सो मैं आपको इस पेंटिंग की डिटेल्स दिखाता हूँ, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। गाइस, मैंने एक और पेंटिंग देखी है जो नीदरलैंड की पेंटिंग है, और जो रतन टाटा का कलेक्शन है, रतन टाटा के पास वो पहले पेंटिंग पहले थी एंड देन उसके बाद वो पेंटिंग उन्होंने इस म्यूज़ियम को डोनेट की। सो मैं उस पेंटिंग को आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। डच पेंटिंग है, मतलब वो यूरोपियन पेंटिंग है, और यूरोप में नीदरलैंड जो कंट्री है उस नीदरलैंड की वो पेंटिंग है। सो उस पेंटिंग को आप ज़रूर देखें, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सो दिस इज़ द पेंटिंग ऑफ नीदरलैंड जो रतन टाटा का कलेक्शन है। अब मैं इसके आपको डिटेल्स दिखाता हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सो यह है सिनेमैटिक व्यू ऑफ द सोर्ड, शिवाजी महाराज की तलवार। ये 17th सेंचुरी की है और अभी इसको इस म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया है। ये जो शील्ड है वो वॉर के लिए यूज किया जाता था, जब सोर्ड की फाइट होती थी वो ज़माने में। और ये कितना पुराना है आप खुद ही देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको कितने साल हो चुके हैं। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सो दिस इज़ द रतन टाटा कलेक्शन। रतन टाटा के पास ये सब पुराने ज़माने के वेपन्स थे एज ए कलेक्शन, जो उन्होंने इस म्यूज़ियम को डोनेट किए, आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवाजी महाराज के टाइम पे यही सब इक्विपमेंट यूज होते थे, जो हमने यहाँ पे रिजर्व म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो गाइस, हमने यहाँ पे एक और रतन टाटा का कलेक्शन देखा है,
और वो एक पेंटिंग है और वो पेंटिंग का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ द यंग लेडी। सो वो पेंटिंग का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सिनेमेटिक व्यू। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सो दिस इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ द यंग लेडी। ये यूरोपियन पेंटिंग है, ये ब्रिटिश पेंटिंग है और ये रतन टाटा का कलेक्शन है। जो ये पेंटिंग पहले रतन टाटा के पास थी, बाद में ये पेंटिंग को रतन टाटा ने डोनेट किया इस म्यूज़ियम को। सो ये म्यूज़ियम को ये पेंटिंग डोनेट की गई है बाय रतन टाटा और ये 16th सेंचुरी की पेंटिंग है। सो मैं आपको इस पेंटिंग के डिटेल्स दिखाता हूँ। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। सो गाइस, हमने यहाँ पे दो पेंटिंग को एक्सप्लोर किया है। एक फ्रेंच पेंटिंग है और एक ब्रिटिश पेंटिंग है जो रतन टाटा का कलेक्शन है और यूरोपियन पेंटिंग है। दोनों पेंटिंग यूरोपियन है, सिर्फ इतना फर्क कि दोनों में से एक पेंटिंग है वो ब्रिटिश पेंटिंग है और एक पेंटिंग है वो फ्रेंच पेंटिंग है। मतलब एक पेंटिंग इंग्लैंड से बिलोंग करती है और एक पेंटिंग फ्रांस से बिलोंग करती है, लेकिन दोनों यूरोपियन पेंटिंग है और दोनों रतन टाटा का कलेक्शन है जो पहले रतन टाटा के पास था लेकिन बाद में रतन टाटा ने इस म्यूजियम को डोनेट किया। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ सिनेमेटिक व्यू ऑफ फ्रेंच पेंटिंग एंड ब्रिटिश पेंटिंग। सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज़ द फ्रेंच पेंटिंग, मैं आपको इसके डिटेल्स दिखाता हूँ। एंड दिस इज़ द ब्रिटिश पेंटिंग विच इज़ यूरोपियन पेंटिंग एंड द कलेक्शन ऑफ रतन टाटा। सो मैं आपको इसकी डिटेल्स भी आपको दिखाता हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सो गाइस, हमने यहाँ पे एक जर्मन पेंटिंग को एक्सप्लोर किया है विच इज़ यूरोपियन पेंटिंग, जर्मन पेंटिंग एंड द कलेक्शन ऑफ रतन टाटा। तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग है, काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है वो, और वो जर्मन पेंटिंग है जो रतन टाटा के पास पहले थी, उसके बाद में रतन टाटा ने इस म्यूजियम को डोनेट किया। सो मैं आपको दिखाता हूँ सिनेमेटिक व्यू ऑफ दैट जर्मन पेंटिंग और डिटेल्स ऑफ दैट जर्मन पेंटिंग। वो पेंटिंग बहुत ही पुरानी है, आप देख सकते हो कितनी पुरानी है। मैं आपको सिनेमेटिक व्यू में दिखाता हूँ कि पेंटिंग कितनी पुरानी है। सो लेट्स सी द जर्मन पेंटिंग, ए पेंटिंग फ्रॉम जर्मनी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सो गाइस, दिस इज़ द जर्मन पेंटिंग जिसकी मैं बात करता हूँ। इस पेंटिंग का नाम है ए वुमन फीडिंग ए पैरेट और इस पेंटिंग के नाम में ही काफ़ी कुछ है। आप इस पेंटिंग को देख के आपको ये पेंटिंग का जो नाम है और जो पेंटिंग है दोनों एक दूसरे को काफ़ी मैच कर रहा है। ये जो जर्मनी की पेंटिंग है जहाँ पे एक वुमन है, एक लड़की है जो पैरेट को खाना खिला रही है, आप इस पेंटिंग को गौर से देख सकते हैं। बहुत पुरानी पेंटिंग है ये। इनफैक्ट ये पेंटिंग जिस आर्टिस्ट ने बनाई, वो आर्टिस्ट जो है ना वो 1866 को पैदा हुआ था और 1888 को मरा, तो ऑब्वियसली ये पेंटिंग 1866 से लेकर 1888 के बीच में ही बना होगा। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि ये कितनी पुरानी पेंटिंग है और उसको कितने सालों से प्रिजर्व करके रखा है। रतन टाटा ने इसको पहले प्रिजर्व करके रखा था, फिर बाद में ये पेंटिंग को इस म्यूज़ियम को डोनेट करने के बाद इस म्यूज़ियम ने इस पेंटिंग को प्रिजर्व करके रखा है। तो मैं इस पेंटिंग का आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सो दिस इज़ द यूरोपियन पेंटिंग, दिस इज़ द ब्रिटिश पेंटिंग एंड इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रतन टाटा और ये पेंटिंग 1931 को बनी थी। सो मैं आपको इस पेंटिंग के डिटेल्स दिखाता हूँ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक और चीज़ एक्सप्लोर की है इस म्यूज़ियम में और वो भी टाटा फैमिली का कलेक्शन है, एक क्लॉक जो 17th सेंचुरी का है। सो डू यू वांट टू सी द क्लॉक ऑफ 17th सेंचुरी? लेट्स बिगिन। सो ये है वो क्लॉक जो 17th सेंचुरी में बना था, 1700 में। मतलब अभी इस क्लॉक को मोर देन 300 ईयर्स हो चुके हैं और ये टाटा फैमिली का कलेक्शन था। सो मैं आपको इसके डिटेल्स भी दिखाता हूँ।
So stay tuned, stay connected. यहाँ पे उसके डिटेल्स है, आप बहुत से डिटेल्स को देख सकते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको. सो इस म्यूज़ियम की वैल्यूएशन क्या है? सो बेसिकली देखा जाए तो ये म्यूज़ियम जब 1922 को बना था तब वो 12,000 स्क्वायर फीट का था, लेकिन अभी 2008 में रिनोवेशन हुआ जिसके वजह से वो 12,000 स्क्वायर फीट का म्यूज़ियम 30,000 स्क्वायर फीट का हो गया, क्योंकि नए नए हिस्टोरिक आइटम्स इस म्यूज़ियम में आते गए और सेमिनार रूम भी इस म्यूज़ियम में रखा गया, जिसके वजह से 12,000 स्क्वायर फीट का म्यूज़ियम जो 1922 में था वो अभी 30,000 स्क्वायर फीट का हो चुका है. तो अभी ये जो एरिया है ये कहाँ पे आता है? ये फोर्ट एरिया में आता है. और फोर्ट के नियर क्या है? CST है, और फोर्ट के नियर कुलाबा है, फोर्ट के नियर चर्चगेट है. तो कुलाबा का रेट कुछ 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है. सो मेरे हिसाब से 30,000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय 50,000 स्क्वायर फीट, मतलब पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखा जाए तो इस म्यूज़ियम की वैल्यूएशन इज 150 करोड़ रुपीज़. तो 150 करोड़ रुपीज़ इस म्यूज़ियम की वैल्यूएशन है. जब 1922 को ये म्यूज़ियम ओपन हुआ था और जब 1999 में वो म्यूज़ियम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1914 को जब इस म्यूज़ियम की कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो चुका था तब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वॉज ओनली 9 लाख रुपीज़. आज इस म्यूज़ियम की वैल्यूएशन इज़ 150 करोड़ रुपीज़. बट ये म्यूज़ियम गवर्नमेंट को बिलोंग करता है और ये म्यूज़ियम पब्लिक लोगों पब्लिक के लिए है. पब्लिक आएगी इस म्यूज़ियम को देखेगी. सो दिस म्यूज़ियम इज़ नॉट फॉर सेल, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट एंड इट इज़ ए पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक आएगी, यहाँ के नए नए हिस्टोरिक चीज़ें देखेगी, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा पब्लिक को और पब्लिक को एजुकेशन भी मिलेगा. सो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यहाँ का काफ़ी सारे लोगों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. बहुत लोगों ने हिस्टोरिक आइटम्स यहाँ पे अपने पर्सनल कलेक्शन के हिस्टोरिक आइटम्स इस म्यूज़ियम को डोनेट किए थे. और कौन से लोगों ने कितने रुपये का हिस्टोरिक आइटम डोनेट किए हैं इसकी मैं आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट दिखाता हूँ. सो लेट्स बिगिन, मैं आपको उसका वैल्यूएशन का चार्ट दिखाता हूँ, एक बोर्ड दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि कितने लोगों ने कितने रुपये का आइटम्स इस म्यूज़ियम को डोनेट किए. सो लेट्स बिगिन. सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से लोगों ने कितने रुपये का हिस्टोरिक आइटम्स इस म्यूज़ियम को डोनेट किया है. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर रतन टाटा ट्रस्ट ने और बाकी सारे बहुत बड़े बड़े महान हस्तियों ने 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा वैल्यूएशन की चीज़ें इस म्यूज़ियम को डोनेट की है. कुछ लोगों ने 50 लाख का कंट्रीब्यूशन दिया है, कुछ लोगों ने 5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया है. सो यू कैन सी, थोड़ा सा पीछे था मैं कुछ देख नहीं पाया. तो आप यहाँ से घोर से देखिए कि कितने रुपयों का कंट्रीब्यूशन दिया है. सो आपके पास भी अगर कुछ हिस्टोरिक आइटम है, पर्सनल कलेक्शन है और आप अपने हिस्टोरिक आइटम्स को डोनेट करना चाहते हैं, एक आपके पास कोई आर्टिफैक्ट है और आर्टिफैक्ट आप इस म्यूज़ियम को डोनेट करना चाहते हैं तो आप इस म्यूज़ियम को डोनेट कर सकते हैं, तो आपका भी नाम इस लिस्ट में आ सकता है. सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस जर्नी. अब हम म्यूज़ियम से बाहर निकलेंगे और हम किसी और चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे. सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड. सो दिस इज़ द गेट ऑफ दिस म्यूज़ियम. अभी हम इस म्यूज़ियम से निकल गए और हम लोग किसी और चीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं. म्यूज़ियम के अंदर की जर्नी काफ़ी अच्छी थी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायर भी यहाँ पे रुके हुए और ये है म्यूज़ियम का गेट जिससे हम अभी बाहर निकले. सो नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम हियर. सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड. सो गाइस वी आर बैक फ्रॉम मुंबई और अभी हम मुंबई से यहाँ पे सीधा नई मुंबई आ चुके हैं. हम लोग फोर्ट के एरिया में थे और फोर्थ से हम लोग CST उसकी फोर्थ से नज़दीक तो CST था, कुलाबा था एंड VT था. और फिर हम वहाँ से अभी हम वहाँ पे फ्रॉम मुंबई टू नई मुंबई आ गए और अभी हम वाशी में है. और वाशी में आके अभी हम थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे. वी विल ईट शॉर्मा बिकॉज म्यूज़ियम में हम गए, हमने म्यूज़ियम को एक्सप्लोर किया लेकिन म्यूज़ियम में हम लोग का लंच थोड़ा स्किप हो गया.
क्योंकि म्यूज़ियम बहुत बड़ा था, एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो म्यूज़ियम बड़ा था, एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी, जिसके वजह से हुआ क्या, हम लोग का लंच स्किप हो गया। इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और अभी हम यहाँ पे स्नैक्स खाएंगे और स्नैक्स में हम शोरमा खाने वाले हैं। तो अभी हमारी पूरी टीम आ चुकी है, हम यहाँ पे बैठेंगे, शोरमा खाएंगे और वाशी से हम लोग की बाद में निकलेंगे। सो मैं अभी आपको इस होटल का बाहर का सिनेमैटिक व्यू दिखाता हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो कभी भी आप वाशी में आओगे और आपको शोरमा खाना है तो इस होटल में ज़रूर आना। ये होटल है द अरेबियन ट्विस्ट फास्ट फूड। सो इस होटल में काफ़ी अच्छा शोरमा मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। सो अंदर जाके मैं टेस्ट करूँगा और आपको उसका रिव्यू भी दूँगा। तो कभी भी आप वाशी में आओगे तो द अरेबियन ट्विस्ट फास्ट फूड में ज़रूर आना। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सो अभी गणेश अभी जा रहे हैं। ओके बाय 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 बाय। सो वी आर बैक गाइस। हम लोग का भी नाश्ता हो चुका है, मैंने नाश्ते में शोरमा खाया है और शोरमा के साथ मैंने थम्सअप पिया है एंड उसके बाद मैं अभी वासी से निकल गया एंड वासी से वापस नेहरू आया मेरे घर। सो मैं नीचे शूट करने वाला था लेकिन नीचे शूट नहीं कर पाया बिकॉज बरसात बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोचा था कि एंडिंग वीडियो जो है वो घर के अंदर शूट किया जाए। सो दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट। सो आज की जर्नी वॉज वेरी गुड। आज मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, मैं म्यूज़ियम में गया, म्यूज़ियम में मैंने काफ़ी सारे हिस्टोरिक आइटम्स देखे, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स देखे एंड मैंने काफ़ी सारे हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट की शूटिंग की। उम्मीद है, मुझे लगता है, आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। ये व्लॉग मैंने बहुत ही ज़्यादा फुल प्लान करके बनाया है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए आउटडोर सीन्स ज़्यादा इसमें नहीं है, इसमें ज़्यादा करके इंडोर सीन्स है। जो इंडोर सीन्स है, जो इंडोर शूट्स है वो म्यूज़ियम के अंदर के। तो मुझे तो आज 100% कॉन्फिडेंस था कि आज के दिन में व्लॉग बनेगा, मतलब बनेगा, क्योंकि बारिश कितनी भी हो मैं अगर म्यूज़ियम के अंदर शूट कर रहा हूँ तो म्यूज़ियम के अंदर तो बारिश होने नहीं वाली। इसके वजह से आज मैं सक्सेसफुली व्लॉग बना पाया। सो थैंक्स टू माय फैमिली मेम्बर्स, थैंक्स टू माय मॉम, डैड, माय सिस्टर एंड माय फ्रेंड गणेश, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ में आए म्यूज़ियम तक, इसलिए यह व्लॉग आज सक्सेसफुली बन पाया है। एंड म्यूज़ियम में तो कितना 50,000 आर्टिफैक्ट्स है। आर्टिफैक्ट्स मीन्स हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। सो 50,000 आर्टिफैक्ट्स एक दिन में दिखाना तो इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने एक ही दिन एक्सप्लोर किया है उस म्यूज़ियम में। फिर भी हमने जितना हो सकता है उतना आर्टिफैक्ट्स आपको दिखाने की कोशिश की है, जितना हो सकता है उतना हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट में बताने की कोशिश की है। और तो और मैंने इस व्लॉग में आपको हिस्ट्री भी बताया है कि ये म्यूज़ियम कैसे स्टार्ट हुआ। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए। अभी तो वीडियो शूटिंग ख़त्म हो चुका है, मेरा शूटिंग अब ख़त्म हो चुका है, आज का फाइनल डे है। सो आज के दिन में मेरा संडे के दिन में कंप्लीट शूटिंग हो चुकी है, अब बस मेरे एडिटिंग बाकी है। तो अभी मैं एडिटिंग करूँगा, मतलब आज संडे है तो आज मैं एडिटिंग करूँगा और कल मंडे को मैं ये वीडियो को अपलोड करूँगा ऑन यूट्यूब। सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकॉन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स, शेयर माय चैनल विथ योर फैमिली मेम्बर। मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रैवल लाइफस्टाइल के बारे में मालूम पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ट्रैवल लाइफस्टाइल व्लॉग्स देखें और खुद भी ट्रैवल करें मुझसे मोटिवेट होके। सो ओके बाय। ओके गाइस, सो बाय बाय एंड टेक केयर।